पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद के बीच पार्टी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली द्वारा कश्मीर को लेकर दिए गए बयान के बाद उनके ऊपर हमले तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने भी हमला बोला है। तिवारी ने हरीश रावत को ट्वीट कर कहा है कि जो लोग जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते और अन्य जो पाकिस्तान समर्थक झुकाव रखते हैं उन्हें पंजाब कांग्रेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बिगड़ते हालात को देखते हुए सिद्धू ने समन जारी किया है। तिवारी ने ट्वीट में लिखा है कि इस तरह का बयान उन सभी का मजाक उड़ाता है जिन्होंने भारत के लिए खून बहाया है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के चार एडवाइजर्स में से एक मलविंदर सिंह माली ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने कश्मीर के एक अलग देश होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों अवैध कब्जेदार हैं। माली ने कहा था कि कश्मीर एक अलग देश है और भारत पाकिस्तान दोनों अवैध कब्जेदार हैं। कश्मीर वहां के लोगों का है। उनके बयान के बाद सीएम अमरिंदर ने पार्टी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों को हिदायत देते हुए कहा था कि उन्हें सलाह देने का तक ही सीमित रखा जाए। कश्मीर पाक जैसे मसले पर बोलने से गुरेज करें, नहीं तो बात का बतंगड़ बन सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी इस मसले पर बोलना गलत है। हालांकि कांग्रेस के बाद से बीजेपी ने इस पर अब मोर्चा संभाल लिया है और पंजाब कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है।